हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रायो। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो था उसका जो बेसल पार्ट था दैट वाज ओवरी। ओवरी विल कंटेन द ओव्यूल एंड द ओव्यूल हैविंग द एम्ब्रायो, ठीक है, विच इज द फीमेल गैमेटोफाइट। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू एम्ब्रायोसाइट विल डेवलप एंड हाउ टू मेगास्पोर विल डेवलप। बेसिकली द फिनोमेना इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ओवरऑल द वीडियो विल कंटेन द मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बेसिकली लेट्स स्टार्ट द मेगास्पोरोजेनेसिस। थिंक व्हाट डू यू मीन बाय द मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज द फिनोमेना और इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, वो मेगास्पोर जो कि एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन करेगा उस मेगास्पोर के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम क्या यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, फ्रॉम इट्स एमएमसी और मेगास्पोर मदर सेल। बेसिकली तो डेफिनेशन अगर दिया जाए कि मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी जो कि डिप्लॉयड है। और एमएमसी का मीनिंग क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल इसी बोले। उस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बेसिकली मेगास्पोरोजेनेसिस। अब फर्दर जो मेगास्पोर मदर मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ है उस मेगास्पोर से फर्दर सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एम्ब्रायोसाइट का डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बेसिकली तो वहाँ हमने पोलन के केस में जो मेल गैमेटोफाइट डिस्कस किया था, जब पोलन के पास पोलन ट्यूब का डेवलप हो गया था, ठीक है, दैट वॉज द कम्प्लीट मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। बट इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट द मेगास्पोर या मेगा गैमेटोफाइट इज या फीमेल गैमेटोफाइट इज कंसीडर्ड एज द एम्ब्रायोसाइट विच इज द सेवन सेल एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर। बेसिकली लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होगा इट विल अकर इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट था उस रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर होगा। तो रिप्रोडक्टिव जो यूनिट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट वॉज कार्पल। और इस कार्पल को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट वॉज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। तो इस ओवरी के अंदर जब देखते थे हम तो ओवरी के अंदर लॉक्यूल प्रेजेंट थे या ओवेरियन चैम्बर प्रेजेंट थी। तो ये जो लॉक्यूल है ओवेरियन लॉक्यूल इस ओवेरियन लॉक्यूल के साथ ये ओव्यूल्स एसोसिएटेड होते थे, दे आर द ओव्यूल्स ठीक है, जिस रीजन से एसोसिएटेड होते थे उस लॉक्यूल के साथ, दिस नॉन एज द प्लेसेंटा, उसको बोलते थे प्लेसेंटा। और ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को बोलते थे प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो यहां ये जो ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ है इट विल अकर फ्रॉम द प्लेसेंटा। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ओव्यूल का वो कहां से हुआ है, प्लेसेंटा से। बेसिकली इस ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रायोसाइट प्रेजेंट था, दैट वाज एम्ब्रायोसाइट। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है एज वेल एज एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है बेसिकली। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम बोल रहे थे मेगास्पोरोजेनेसिस। जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस यहां मैं आपको रिप्रेजेंट किया बेसिकली। तो एट द बिगिनिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन द सेंस मेगास्पोर के फॉर्मेशन के इनिशियल टाइम में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होगा, ठीक है, इस प्लेसेंटा की जो टर्मिनल वाली सेल है वो फास्ट ग्रोथ करके नहीं ये ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। बताया कि ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा, तो इस प्लेसेंटा की जो सेल्स हैं वो ही सेल्स फर्दर डिवाइड कर रही है, ग्रोथ कर रही है बेसिकली टू फॉर्म द ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो रीजन बन रहा है दिस इज द न्यूसिलस, इसी को हम बोलेंगे क्या, न्यूसिलस बेसिकली। ठीक है, तो यह न्यूसिलस जो है वो एक राउंडेड ओवल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, विच इज फर्दर
surrounded by the single celled layer, epidermal layer basically. ठीक है, तो न्यूसिलस उस लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा बेसिकली. यहाँ पे वो दिखाया है मैंने, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा से डेवलप हुआ ये न्यूसिलस. ठीक है, न्यूसिलस डेवलप फ्रॉम द प्लेसेंटा इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल राउंडेड आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली. अब ये न्यूसिलस जो है, इस न्यूसिलस का सेल जो है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल इन द सेंस, इस सेल्स का अभी किसी टाइप से कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है या किसी टाइप से इनका फेट डिटरमाइन नहीं हुआ बेसिकली. दे आर टोटली अनडिफरेंशिएटेड सेल एज वेल एज होमोजीनस सेल. होमोजीनस सेल का मीन क्या है यहाँ पे, कि दे आर सिमिलर शेप एंड साइज सेल. ठीक है, एज वेल एज मर्स्टमेटिक इन नेचर. मर्स्टमेटिक नेचर इन द सेंस दे आर द डिवाइडिंग सेल्स. ठीक है, दे आर द डिवाइडिंग सेल. तो यहां ये जो न्यूसिलस है, ये भी नीचे लिखा है कि हियर ऑल द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस इज अनडिफरेंशिएटेड होमोजीनस एंड मरिस्टमैटिक. इन द प्रकार नेचर ध्यान रखना कि न्यूसिलस के सेल्स का नेचर क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछता है वहां से नीट के अंदर बेसिकली. ठीक है, तो ये जो न्यूसिलस होगा, इस न्यूसिलस के ऊपर ये न्यूसिलस की जो सेल होगी ना, ये मास जो होगा, दिस मास ऑफ न्यूसिलस इज फर्दर सराउंडेड बाय द सिंगल सेल्ड लेयर विच इज नोन एज द एपिडर्मिस. इसको हम बोल देंगे क्या, एपिडर्मिस बेसिकली. ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज एपिडर्मिस. अब उस एपिडर्मिस के अंदर फिल्ड है कौन, ये न्यूसिलस टिश्यू जो होगा, और न्यूसिलस टिश्यू का जो सेल्स हैं दे आर टोटली अनडिफरेंशिएटेड होमोजीनस और मास्टमैटिक सेल्स बेसिकली. ठीक है, तो इस न्यूसिलस रीजन को मैं फर्दर बाहर बता रहा हूं कि इस न्यूसिलस के अंदर उस मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता कैसे बेसिकली. ठीक है, तो न्यूसिलस का ही कोई सेल वो डिवाइड और डिफरेंशिएट कर जाता है, वो अपने आप को ग्रो कर लेता है और डिफरेंशिएटेड हो जाता है बेसिकली उस न्यूसिलस में. ठीक है, तो वो जो सेल डिफरेंशिएटेड हुआ, दिस डिफरेंशिएटेड सेल इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स. उनको हम बोलते हैं प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स बेसिकली. ये प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल जो है, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर. इसका नेचर कैसा है, डिप्लॉयड. न्यूसिलस की सारी सेल्स जो होंगी दे आर द डिप्लॉयड इन नेचर. ठीक है, एपिडर्मिस की सारी सेल्स का नेचर जो है, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर बेसिकली. ठीक है, तो यहां आर्किस्पोरियल सेल्स जो है, इट टेक पेरिक्लिनल डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन होगा लेकिन वो पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन. ध्यान रखना माइटोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, तो ये सेल्स जो होगी ना, वो पेरिक्लिनल इन द सेंस वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है या हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है. तो डिवाइड कर रहा है तो इट विल फॉर्म द टू सेल. ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स है, ठीक है, दे डेवलप द टू सेल्स या दे डिवाइड टू फॉर्म द टू सेल्स बेसिकली. वन सेल इज नोन एज द पेराइटल सेल, अनदर सेल इज नोन एज द स्पोरोजीनस सेल्स बेसिकली. ठीक है, तो यहां ये जो आर्किस्पोरियल सेल से फॉर्म हुआ है प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स बेसिकली. अब इनमें स्पोरोजीनस सेल्स होंगे, दे आर प्रेजेंट टू आर द चलाजल एंड. ये तो प्रेजेंट है चलाजल एंड की तरफ, जबकि पेराइटल सेल्स होंगे, दे प्रेजेंट टू आर द माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है. तो इधर तो जो रीजन है दैट इज माइक्रोपाइलर, और इस साइड जो रीजन होगा दैट इज द चलाजल एंड ऑफ ओव्यूल बेसिकली. ठीक है, तो यहां ये जो पेराइटल सेल्स है, ये पेराइटल सेल्स या तो फर्दर डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होकर वो डिफरेंट लेयर ऑफ न्यूसिलस बनाता है. दिस फर्दर डिवाइड और डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द डिफरेंट लेयर ऑफ न्यूसिलस. जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हैं, दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल. ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल इन स्पोरोजीनस टिश्यू से ही, या स्पोरोजीनस सेल जो होगी ना, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, इससे ही उस मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ स्पोरोजीनस सेल्स जो है, इट विल टेक द न्यूट्रिशन एंड डिफरेंशिएटेड, इट विल टेक द न्यूट्रिशन एंड ग्रोस एंड डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द एमएफसी. ध्यान रखना प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू का जो सेल्स है, इट डायरेक्टली एक्ट एज एन एमएफसी.
ठीक है, तो आपने आपको ग्रोथ किया, न्यूट्रिशन लिया, ग्रोथ किया एंड एबल एक्ट एज ए एमएनसी मेगा स्पोर मदर सेल्स बेसिकली। तो ये मेगा स्पोर जो मदर सेल है इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, तो यहां देखो कि यह फर्दर जो है वो जो पैराइटल स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल था या स्पोरोजिनस सेल था वो एनलार्ज हो गया, वो ग्रो कर गया बेसिकली, तो इसी को हमने बोल दिया क्या एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल्स बेसिकली। ठीक है, मैं इसका फुल फॉर्म भी आपको लिख देता हूं, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल सेल। ठीक है, इन द सेंस दिस सेल डिवाइड्स to differentiate or to form the megaspore, functional megaspore basically, which will form the embryo cell. ठीक है, तो यहाँ पे जो MMC है, megaspore mother cell जो है, it divide meiotically. इसके अंदर meiosis division होगा. तो meiosis division जब होगा, तो meiosis first division और meiosis second division. Whenever the MMC will take meiosis first and meiosis second division, it will form the लीनियर टेट्रा मेगास्पोर। ये चार सेल बनाएगा, क्योंकि एक बार अगर मियोसिस से डिवाइड करेगा तो दो सेल बनाएगा मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल, और सेकंड टाइम डिवाइड करेगा दो से चार सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो चार सेल जो होंगी ना, दीज फोर सेल्स आर अरेंज इन द लीनियर मैनर, दिस आर नोन एज द लीनियर टेट्रा ऑफ मेगास्पोर बेसिकली। ध्यान रखना कि मियोसिस डिविजन के बेसिस पे मेगास्पोर मदर सेल जो है वो कन्वर्ट हुआ है टेट्राड के अंदर, इन द सेंस फोर सेल्स हैं जो कि लीनियर अरेंजमेंट है, इन फोर सेल्स को ही हम बोला क्या लीनियर टेट्राड। अब यहां से ये जो लीनियर टेट्राड है मेगास्पोर सेल्स का, ठीक है, इनमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल्स होंगी दीज सेल गेट डीजनरेट, जबकि जो चलासेल एंड का जो साइकिल होगा जो सेल होगा this cell remain inside the meiosis, ठीक है, which is further considered as the megaspore, जिसको हम further बोलेंगे megaspore basically। ठीक है, तो यहाँ से बता रहे कि three cell get degenerated, इनमें से the three tetrad lies toward the micropylar, ये micropylar side था इधर के side, ठीक है, toward the micropyle get degenerated। ठीक है, तो इनमें से देखो ये तीन तो degenerate हो गया, जो बचा हुआ सेल है एक सेल जो बचा हुआ है एंड द रिमेनिंग टेट्राड टुवर्ड्स द चलाजल एक्ट एज ए फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है या रिमेनिंग जो सेल्स है उन टेट्राड में से मेगास्पोर टेट्राड में से दिस इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, और ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा इट फर्दर एक्ट as a then it further develops the embryo cell which is also known as the female gametophyte basically। ठीक है, तो यहां तक का जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो कि एक तो माइटोसिस डिवीजन हुआ और एक मियोसिस डिवीजन हुआ, जिसके बेसिस पे क्या हुआ ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस एमएमसी से मेगा स्पोर मदर सेल से इस मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस बेसिकली। ठीक है, ये प्रोसेस जो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है दिस इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये मेगा स्पोर जो बना है इससे फर्दर सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो सर थ्योरी अगर मैं लिखता हूं मेगा स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर एंड रिमेनिंग
and remaining will considered as functional megaspore. Functional megaspore basically. Which further participate in participate in female gametophyte development development वो उसमें रहो ठीक है। तो ये जो ओवरऑल जो डायग्राम मैंने लिखा है बताया अभी जो समझाया है ठीक है एक्सप्लेन किया है उसके मैंने एक थ्योरेटिकल या फिर एक एक थ्योरी के फॉर्म में एक लिखा है आपको। तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द एमएमसी वो हमने डेफिनेशन में देखा था बेसिकली। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी द ओव्यूल जनरली ये जो ओव्यूल था इट जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल पता है ओव्यूल के अंदर डिफरेंशिएट होगा कौन एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बेसिकली ठीक है जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के बाद वो टेट्रार बनाएगा। इस टेट्रार में से तीन सेल जो होगा डिजनरेट हो जाएगा रिमेनिंग सेल जो होगा वो कंसीडर होगा फंक्शनल मेगास्पोर बेसिकली ठीक है। तो यहां कहा कि ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी ठीक है इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द म्यूसिलस। It is a large cell containing dense cytoplasm. ये इसकी characteristics है ध्यान में रखना containing the dense cytoplasm and prominent nucleus. The MMC undergoes the meiotic division. पता है कि ये MMC जो होगा this MMC undergoes the meiotic division to form the megaspore tetrad basically जो कि linear arrangement linear form में arrange होती है। तो MMC undergoes meiotic division. The meiosis result in the four megaspore tetrad from which three get degenerate जिनमें से तीन क्या हो जाएंगे यहां से ये degenerate हो जाएंगे basically and the remaining will considered as the functional megaspore जो बचा हुआ है that is the functional megaspore basically ठीक है functional ठीक है जो रिमेनिंग बचा हुआ दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर बेसिकली ठीक है। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा इट फर्दर टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ठीक है। तो फंक्शनल मेगास्पोर विच फर्दर पार्टिसिपेट इन द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट बेसिकली तो दिस ओवरऑल फिनोमेना इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस बेसिकली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक बेसिकली ध्यान रखना। अभी यहां पर फंक्शनल मेगास्पोर जो है फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड नेचर का है ठीक है क्योंकि इस हैप्लॉइड नेचर की सेल से इस फंक्शनल मेगास्पोर सेल जो है इसी से ही फर्दर सेवन सेल और एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो मदर सेल या फंक्शनल मेगास्पोर सेल जो है इट डेवलप सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला था एम्ब्रायो सैक बेसिकली दिस इज एम्ब्रायो सैक और इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं इसको फीमेल गैमेटोफाइट ठीक है। तो हमें ये डिस्कस करना है नेक्स्ट कि ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है इससे डेवलपमेंट होगा सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर
ठीक है, तो उसको ही हम बोल रहे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट फाइट डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो एम्ब्रायो सेट के डेवलपमेंट को ही हम बोल रहे क्या फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, जो कि क्या होगा एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल से डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी सेल जो होंगी ना वो हैप्लोइड नेचर का, ये हैप्लोइड सब हैप्लोइड था एक्सेप्ट द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल जो था वो डिप्लोइड नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट बेसिकली। ध्यान रखना फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होगा इट अकर फ्रॉम द फंक्शनल मेगा स्पोर, और एमएमसी से फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन को हम बोलते थे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर प्रोसेस करके एक रे डायग्राम से बता रहा हूँ। पहले न्यूसीलस था, न्यूसीलस का ही एक सेल डिफरेंशिएट हुआ था आर्किस्पोरियल सेल के अंदर, आर्किस्पोरियल सेल, और आर्किस्पोरियल सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ था, माइटोटिक डिवीजन हुआ था, तो उसने दो सेल बनाया था, वन इज प्राइमरी पेराइटल सेल एंड सेकेंड इज प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल। तो स्पोरोजीनस सेल जो था ये डायरेक्टली एक्ट कर रहा था एमएमसी, एक्ट एज एमएमसी। ठीक है, तो एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल, तो एमएमसी वो डिप्लोइड सेल था क्योंकि सारे डिप्लोइड सेल्स हैं, पेराइटल सेल भी डिप्लोइड है, स्पोरोजीनस का भी डिप्लोइड सेल्स है, ठीक है, आर्किस्पोरियल भी डिप्लोइड सेल्स है और न्यूसीलस का भी डिप्लोइड सेल्स है बेसिकली। तो ये एमएमसी जो था इट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर, मेगा स्पोर ये बनाने का काम कर रहा था कौन, एमएमसी होता, और उस टाइम हो रहा था मियोसिस डिवीजन, मियोसिस, और इस ओवरऑल फिनो को यहां से यहां तक का जो फिनो था फिनोमिना था दैट वाज मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस बेसिकली मेगा स्पोर, एमएमसी से फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। अभी फंक्शनल मेगा स्पोर जो होगा इट फॉर्म द एम्ब्रायो से, फॉर्म्स एम्ब्रायो से बेसिकली। ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है एम्ब्रायो से, और इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते थे, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इसमें हमने ये मेगास्पोर डिस्कस कर लिया, मेगास्पोर जेनेसिस, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ध्यान रखना इट विल अकर फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट नेक्स्ट। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सेल, और एम्ब्रायो सेक। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सेक का जो फॉर्मेशन है इट अकर फ्रॉम द मेगा स्पोर बेसिकली, जो मेगा स्पोर मेगा स्पोरोजेनेसिस के टाइम डेवलप हुआ था। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था कि मेगास्पोर मदर सेल जो था वो एमएमसी जो सेल था वो डिप्लोइड सेल था, तो वो डिप्लोइड सेल म्यूटिकली डिवाइड करके यानी हैप्लोइड सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा था, जो चार टेट्राड बना रहा था लेयर्स की फॉर्म में जो अरेंज थे, तो उनमें से तीन डिजनरेट हो रहा था और एक जो बच रहा था दैट वॉज द
फंक्शनल मेगा स्पोर। तो यहाँ फंक्शनल मेगा स्पोर से ही क्या सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेट का फॉर्मेशन होगा बेसिकली। तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ वो एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ जो ऑर्गन के अंदर पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। दिस वॉज ओव्यूल, ठीक है। तो इस ओव्यूल में ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, दिस वॉज द फंक्शनल मेगा स्पोर जो कि हैप्लॉइड नेचर का था, फंक्शनल मेगा स्पोर बेसिकली। ठीक है, और फंक्शनल मेगा स्पोर के चारों साइड ये न्यूसिलस है, न्यूसिलस, दिस इज न्यूसिलस। और ओवर द ओरिजिनल स्ट्रक्चर दैट इज द ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इस फंक्शनल मेगा स्पोर से सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, यहां उसको एम्ब्रायोसाइट भी बोल सकते हैं, गैमेटोसाइट भी बोल सकते हैं बेसिकली। सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट और एम्ब्रायोसाइट फॉर्मेशन। तो हमें ये स्ट्रक्चर डेवलप करता हूं, ये स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखना है इस ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं डिटेल से डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर सेल था जो कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद डेवलप हुआ था मेगा स्पोर मदर सेल से। ठीक है, तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल जो है, इट विल डेवलप द सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द एम्ब्रायो सेल और फीमेल गैमेटोफाइट बेसिकली। तो यहाँ ये सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर है वो बना कैसे, तो पूरा प्रोसेस ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। यहां से ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इस फंक्शनल मेगा स्पोर को मैं बाहर बता रहा हूं, तो फंक्शनल मेगा स्पोर के पास जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन के बाद फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो वहां टेट्राड कंडीशन जो बना था उनमें से तीन तो डिजनरेट हो गया था और रिमेनिंग जो था दिस बिकम फंक्शनल मेगा स्पोर, दैट्स व्हाई इट हैविंग द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो नाउ दिस न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये फंक्शनल जो मेगा स्पोर है, इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट बेसिकली। तो यहाँ ये फर्स्ट सेल जो है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, या मेगा स्पोर जो फर्स्ट सेल है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का, ये क्या होगी, न्यूसिलस से न्यूट्रिशन लेगा और न्यूट्रिशन लेकर अपना साइज बढ़ाएगा। ठीक है, व्हेन इट टेक देयर ग्रोथ इट्स न्यूक्लियस गेट डिवाइड। तो इसका जो न्यूक्लियस है ग्रोथ लेने के बाद जो मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, टू फॉर्म द टू न्यूक्लिया। अब यहां पे जो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो, दी न्यूक्लिया आर आल्सो नोन एज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। व्हाई दे आर हैप्लॉइड, बिकॉज दे डेवलप बाय द माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है दे रीच टू देयर अपोजिट पोल, बहुत न्यूक्लियस दे रीच टू द अपोजिट पोल। ठीक है, अब एक न्यूक्लियस तो चला जाए एंड की तरफ चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस जो होगा वो माइटोपाइलर एंड की तरफ आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, इन न्यूक्लियस के अंदर फर्दर माइटोसिस सेकंड डिवीजन होगा, माइटोसिस सेकंड से दो न्यूक्लियस से फोर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। दो न्यूक्लियस तो या टू न्यूक्लियस तो चला जाए एंड की तरफ होगा और टू न्यूक्लियस जो होगा वो माइटोपाइलर एंड की तरफ होगा। ठीक है, इन फोर न्यूक्लिया के अंदर अगेन थर्ड माइटोसिस होगा, मतलब थर्ड माइटोसिस विल फॉर्म द फोर न्यूक्लिया। फोर न्यूक्लिया तो एंटीपोडल सेल्स की तरफ या चलाजा लैंडी की तरफ प्रेजेंट होगा, जबकि फोर न्यूक्लिया जो होंगे दे प्रेजेंट टुवर्ड द माइटोपाइलर लैंडी बेसिकली। तो यहाँ जो जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवीजन, सेकेंड माइटोसिस और थर्ड माइटोसिस डिवीजन जो है, ये बिल्कुल फ्री न्यूक्लियस डिवीजन है। यहाँ किसी टाइप से न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा या वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, दस द न्यूक्लियस रिमेन फ्री इन दियर साइटोप्लाज्म बेसिकली। ठीक है, तो एट लास्ट दे विल फॉर्म द एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल, ये एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल का फॉर्मेशन हुआ है।
यहाँ पे एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रा सेगमेंट है, द वन वन बाय वन वन न्यूक्लियस को चलाजन एंड से साइड से और वन न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की साइड से दे मूव टुवर्ड द सेंटर, वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो जब सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो दीज न्यूक्लियाई विल बिकम द पोलर न्यूक्लियाई, ये बन जाएगी क्या, पोलर न्यूक्लियाई बेसिकली, ठीक है। तो पोलर न्यूक्लियाई बनने के बाद तो यहाँ पे जो चलाजल एंड साइड है, दिस इज चलाजल साइड, चलाजल साइड, और इधर की साइड जो है माइक्रोपाइलर साइड, माइक्रोपाइलर साइड साइड, ठीक है। तो दिस न्यूक्लियस टेक देयर अरेंजमेंट, तो जो दो बीच में फ्री न्यूक्लियस बना, दिस न्यूक्लियस बिकम द पोलर न्यूक्लियस बेसिकली, ठीक है। और तीन न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ रहेंगे और थ्री न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेंगे बेसिकली। इन एट न्यूक्लियस में से सिक्स न्यूक्लियस, थ्री न्यूक्लियस टुवर्ड चलाजल साइड और थ्री न्यूक्लियस टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन बेसिकली। इन न्यूक्लियस के पास क्या होगा, बॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा सिक्स न्यूक्लियस के पास। ध्यान रखना तीन न्यूक्लियस तो चलाजल एंड की तरफ के है और थ्री न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड के, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन बेसिकली। तो जो न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ है दे विल डेवलप द एंटीपोडल सेल्स, वो तो क्या बना देंगे, एंटीपोडल सेल्स। द न्यूक्लियस विच वाज प्रेजेंट टुवर्ड द चलाजल एंड विल डेवलप द एंटीपोडल सेल्स बेसिकली। दस द एंटीपोडल सेल्स हेयर द हैप्लॉइड सेल्स, सारे सेल्स कैसे होंगे यहाँ पे, हैप्लॉइड बेसिकली, क्योंकि यहाँ सारे जो न्यूक्लियस है ऑल न्यूक्लियस आर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। व्हाई दे आर हैप्लॉइड, बिकॉज दे ऑल डेवलप बाय द माइटोसिस डिवीजन बेसिकली। तो सर माइटोसिस डिवीजन से बना, और हमें पता है कि माइटोसिस जो डिवीजन है इट इज द इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो इक्वेशनल डिवीजन है तो सारे न्यूक्लियस जो होंगे ना वो सेम ही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो सेल्स चलाजल एंड की तरफ थे दे डेवलप द, जो न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ थे दे डेवलप द एंटीपोडल सेल्स। एंड द न्यूक्लियस विच प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर साइड दे आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन टू डेवलप वन एग सेल विच इज हैप्लॉइड एंड टू सिनर्जिड्स विच इज ऑल्सो द हैप्लॉइड सेल्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ ये एग सेल भी हैप्लॉइड है और सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ एग प्लस सिनर्जिड्स इन दोनों को मिला के बोलते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस, एपरेटस बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो सिनर्जिड्स और एग सेल्स में जिनको मिला के क्या बोला, एग एपरेटस, दे प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर साइड बेसिकली। इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना इन साइड द एम्ब्रायो साइट बेसिकली। जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है फ्री सेल जो या फ्री जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो नॉन एज द पोलर न्यूक्लियस। तो ये पोलर न्यूक्लियस जो होंगे अभी तो फ्री है, लेकिन वेन एवर द पोलन ट्यूब एंटर इन साइड द एम्ब्रायो साइट, वेन एवर द पोलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द एम्ब्रायो साइट बोथ न्यूक्लियस गेट फ्यूज टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो दोनों न्यूक्लियस जो होंगे ना वो फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर नहीं वो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे बेसिकली, ठीक है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो पेन का डेवलपमेंट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा सेल है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई फ्री है, ठीक है, उस बड़ा सेल्स को बोलते हैं, लार्ज सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल का अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो सेंट्रल सेल कैसा है यहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है, जबकि ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉयड हैप्लॉस न्यूक्लियस है। लेकिन सेल का जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे ओवरऑल तो दिस बिकम द डिप्लॉयड सेल बेसिकली। तो दिस इज ऑल द डेवलप एम्ब्रायो सेल, ठीक है, एंड द फिनोमेना इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सेल और फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रायो सेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना है इट इज सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों बोला है इसको, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट सेल सेकेंड सेल और थर्ड सेल फोर फाइव और सिक्स सेवन लार्ज सेंटर सेल जो है, जबकि एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों बोला है, दे हैविंग द एट न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस थ्री न्यूक्लियस फोर फाइव सिक्स सेवन और एट न्यूक्लियस। दस द एम्ब्रायो सेल इज सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बेसिकली।
ठीक है। तो इसको सबसे पहले पॉलीगोनल प्लांट्स के अंदर फाइंड आउट किया था, या फिर ये एम्ब्रासेक का जो फाउंड आउट पॉलीगोनल प्लांट्स के अंदर किया था, दैट्स व्हाई द एम्ब्रासेक इज द पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रासेक। ठीक है, तो सेवन साइड एट न्यूक्लिएटेड जो एम्ब्रासेक है इट इज पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रासेक। वहां नीट के अंदर वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि पॉलीगोनल साइड जो एम्ब्रासेक है वो किस टाइप का होता है, वो सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड या सेवन सेल सेवन न्यूक्लिएटेड या एट सेल एट न्यूक्लिएटेड या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा कि ये जो पोलन जो एम्ब्रासेक जो है इट इज सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम पॉलीगोनम डाई पॉलीगोनम डाई एम्ब्रासेक एम्ब्रासेक जो कैसा है सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड एट न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो इस एम्ब्रासेक को हमने फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला, दिस इज एम्ब्रायोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जस्ट हुआ कुछ नहीं है, जस्ट जो मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर जो था उसका न्यूक्लियस थ्री टाइम डिवाइड किया माइटोटिकली टू फॉर्म द एट न्यूक्लियस। अब एट न्यूक्लियस जो है उनमें से दोनों साइड में से एक एक न्यूक्लियस जो सेंटर की तरफ मूव किया टू फॉर्म द पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, तो फर्दर जो सिक्स थ्री थ्री न्यूक्लियस बने थे बच्चे थे दोनों चलाजर एंड की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दे आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन बेसिकली टू डेवलप एंटीकोडल सेल्स सिनर्जिड्स एग सेल्स और सेंटर सेल्स। ठीक है, तो ये एम्ब्रायोसेक जो है इट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, तो यहाँ इस ओव्यूल के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ तो इस ए केस में तो ए ओव्यूल के केस में तो क्या है सिर्फ ये फंक्शनल मेगास्पोर है, लेकिन बी ओव्यूल के केस अगर देखा जाए तो अब उस बी ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रायोसेक है बेसिकली। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि क्या है सेवन सेल और एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ए से बी तक का जो प्रोसेस है This is all this. ये सारा प्रोसेस ये है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये ओव्यूल के अंदर सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन हुआ कैसे था बेसिकली। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया इसको वन बाय वन अगर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बोर्ड में भी काम आए और आपको नीट के अंदर भी वो काम आए बेसिकली। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावर इन मेजोरिटी ऑफ तो पूरा डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन था उसका अगर मैं एरो डायग्राम के बेसिस पे या फिर थ्योरेटिकल एंगल में लिखता हूँ तो वो क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या है मेजोरिटी जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स ऑन द मेगास्पोर इज फंक्शनल माइनर, ओनली एक वन मेगास्पोर जो है ना वो वहाँ पर फंक्शनल होगा। ठीक है, बाकी तीन जनरेट जो होंगे ना वो थ्री गेट इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर गेट डीजनरेट, थ्री जो होंगे दे गेट डीजनरेट, ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसेक। हम बताते हैं कि ओनली एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा ना उसका न्यूक्लियस जो होगा ना वो डिवाइड करेगा। ठीक है, और वो सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा बेसिकली। ठीक है, एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन द सिंगल सेल, अगर सिंगल सेल से एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं क्या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर एक ही फंक्शनल मेगा सेल्स या फंक्शनल मेगा स्पोर रोल प्ले करता है एम्ब्रायोसेक डेवलपमेंट में, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर टू पे रोल प्ले करती है तो बाइस्पोरिक डेवलपमेंट बेसिकली, चार रोल प्ले करती है तो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो सब अलग अलग टाइप के फर्दर डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे। फिर पूरा प्रोसेस देखा जाए तो प्रोसेस में हुआ क्या था कि जो न्यूक्लियस था फंक्शनल मेगास्पोर सेल का, ठीक है, तो न्यूक्लियस फर्दर माइटोटिकली डिवाइड कर रहा था, वन माइटोटिक डिवीजन कर रहा था तो दो न्यूक्लियस बना रहा था, सेकेंड टाइम माइटोसिस परफॉर्म कर रहा था तो फोर न्यूक्लियस बना रहा था,
थर्ड टाइम माइटोसिस परफॉर्म कर रहा था तो एट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन था वो बिल्कुल फ्री डिवीजन था। इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या था कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन है इट इज नॉट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन बेसिकली। तो न्यूक्लियस जो है फ्री थे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब वो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट था, फोर न्यूक्लियस तो वो चलाजल एंड की तरफ अरेंज होते थे और फोर न्यूक्लियस वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अरेंज होते थे। उनमें से वन वन न्यूक्लियस जो था वो क्या सेंटर की तरफ आ गया था, जिनको हम फर्दर बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस बेसिकली, ठीक है। अब जो सिक्स न्यूक्लियस बचे हुए थे चलाजल एंड की तरफ और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, उनके ऊपर फर्दर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। दे डेवलप एंटीपोलर सेल सिनर्जिड्स एग सेल्स, द रिमेनिंग सेल लार्ज सेल इज कंसीडर्ड एज द सेंट्रल सेल बेसिकली। तो वहां पर मैंने एरो डायग्राम में देखा रखा था न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, ठीक है। डिवीजन कैसा है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, द डिवीजन आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, ठीक। दूसरा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब लिया है दैट फॉर्म द टू सेल और टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। सेकंड टाइम माइटोसिस डिवीजन लिया है तो फॉर्म द फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। थर्ड टाइम माइटोसिस डिवीजन लिया फॉर्म द एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। अब जो एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल थे इसमें से चार न्यूक्लियस तो चलाजल एंड की तरफ थे और फोर न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर की तरफ। तो आउट ऑफ एट न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द सेंटर टू फॉर्म द पोलर न्यूक्लियस, जिससे वो बना देते पोलर न्यूक्लियस बेसिकली, ठीक है। रिमेनिंग थ्री न्यूक्लियस टुवर्ड चलाजल साइड और थ्री न्यूक्लियस टुवर्ड माइक्रोपाइलर साइड, ठीक है। तो तीन चलाजल एंड की तरफ रहेंगे और तीन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। तो सिक्स न्यूक्लियस आउट ऑफ एट आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म followed by wall formation and it develops seven celled eight nucleated embryo cell or female gametophyte basically, ठीक है। तो यहाँ seven celled और eight nucleated क्यों बोला था, उसमें तीन तो antipodal cells था, एक egg cell था, दो synergids थे और एक center cell present था basically। तो इन सब साथ seven celled के पास eight nucleated structure थे या eight nucleus थे, that's why the such type of embryo cell या female gametophyte is considered as the polygonal type of embryo cell. ये most common type of embryo cell है जो कि polygonal के अंदर सबसे पहला discover किया था, इस वजह से इसको हम polygonal type of embryo cell भी बोलते हैं basically, ठीक है। This all about the development of female gametophyte basically. That's the types of embryo cell basically. वो monosporic भी हो सकता था, वो bisporic भी होता है, वो टेट्रास्पोरिक भी हो सकता है। उसके डेवलपमेंट बेसिस पे वो एम्ब्रियो के टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, मोनोस्पोरिक बायस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक टाइप्स। टाइप जो है एम्ब्रियो का वो उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे डेवलपमेंट के बेसिस पे तीन टाइप का है, मोनोस्पोरिक बायस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। बताया था कि अगर एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है तो मोनोस्पोरिक, अगर दो फंक्शनल मेगास्पोर सेल से अगर एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है तो बायस्पोरिक, चार फंक्शनल मेगास्पोर से या फोर मेगास्पोर से अगर एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है तो टेट्रास्पोरिक, ठीक है। तो यहाँ मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सेल है उसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया, दैट इज द पॉलीगोनल टाइप और ऑर्नेथेरा टाइप। तो पॉलीगोनल टाइप का जो एम्ब्रियो सेल है, ठीक है, वो जनरल एम्ब्रियो सेल बेसिकली जो कि सेवन सेल और एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि पॉलीगोनल के अंदर हमें मिलता है। जबकि ऑयनोथेरा टाइप का जो एम्ब्रियो सेल है, ठीक है, इस ये एक्सेप्शनली मिलता है हमें, एक्सेप्शनली इट इज द फोर न्यूक्लिएटेड इन विच वन न्यूक्लियस वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और थ्री न्यूक्लियस जो कि वो एग एप्लीटस में प्रेजेंट होंगे, एंटीपोडल सेल जो होंगे वो यहाँ पे एबसेंट मिलेगा बेसिकली। ध्यान रखना कि इस जगह पर एंटीपोडल सेल जो है वो एबसेंट है। The endosperm will become the diploid, ठीक है। तो यहाँ endosperm जो होगा बाद में diploid हो जाएगा basically। जबकि bisporic जो embryo cell है, तो यहाँ functional megaspore जो होंगी ना वो दो है, ठीक है, और दो functional megaspore से अगर embryo cell का formation हो रहा है तो bisporic। अब ये दो type का मतलब AM type का और endosperm type का basically। तो वो चला जाए मतलब वो फंक्शनल मेगास्पोर किस साइड प्रेजेंट है उसके बेसिस पर उसको अलग अलग डिवाइड किया है। तो अगर चलाजल साइड मेगास्पोर प्रेजेंट था तो इस टाइप के को हम बोलते हैं एलियम टाइप होगा, ये भी सेवन सेल और एट न्यूक्लिएटेड, ठीक है। जबकि अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होंगे तो दे आर द एंडाइलियम टाइप का बेसिकली, ठीक है। टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियो सेल है दैट इज
फोर मेगास्पोर अगर उनमें से तीन डीजनरेट ना हो और चारों के चारों मेगास्पोर एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है, तो उस टाइप के एम्ब्रियोसाइट डेवलपमेंट को बोलते हैं हम टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। दूसरा थिंग, यहाँ पे न्यूक्लियस जो बने इज नॉट एकम्पनीड बाय द साइटोकाइनेसिस, ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है जो थे उनके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन वो साइटोकाइनेसिस के बेसिस पे, यहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो न्यूक्लियस जो है दे रिमेन फ्री इनसाइड द एम्ब्रियोसाइट, दे रिमेन फ्री इनसाइड द फंक्शनल मेगास्पोर बेसिकली, और वो फर्दर डिवाइड करते जाएंगे बेसिकली। हियर फोर न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज द सीनो मेगास्पोर, उनको हम बोलते हैं क्या सीनो मेगास्पोर, ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसाइट बेसिकली। थैंक यू।